फिर रेड कलर के लिए कैपिटल आर, डब्लू के लिखे व्हाइट के लिए, जैसे रोन इसमें आना है तो कोडामिनस में, वहां पे दो दो ही जीन्स है जो एक दूसरों के अल्टरनेटिव थे, तो उसको बोलते थे अलिल्स। तो दो, लेकिन दो से ज्यादा अगर है तो उनका जो अपियरेंस के लिए एक दूसरों पर जो इफेक्ट होता है वो अलग ढंग से होता है। इसलिए मल्टीपल अलिल्स का एक डेविएशन है मेंडल्स लॉ के विरुद्ध में, या मेंडल्स लॉ के समान ये रिजल्ट नहीं होते। तो इसमें जैसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला नाम का एक कीड़ा है जो उसमें उसके पंख जो होते हैं विंग्स जो अलग अलग ढंग के होते हैं, मतलब उसके लिए जो अल्टरनेटिव जीन्स मीन्स अलील्स है वो दो से ज्यादा है। और ये इसलिए फेमस एग्जांपल दिया जाता है मल्टीपल अलील्स के लिए। और दूसरा ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप का हम बाद में बताएंगे, पहले ये देखो। तो ड्रोसोफिला में इतने तरह के विंग्स के कैरेक्टर क्यों आए? तो एक्चुअल जो ओरिजिनल जीन था विंग्स के शेप का शो करने के लिए, उसमें म्यूटेशन हुआ। और म्यूटेशन होता है, ये सडन चेंज होता है, वो बार बार हुआ, इसलिए अलग ढंग के म्यूटेंट जीन्स तैयार हुए। और ये अलग अलग म्यूटेंट जीन्स जो तैयार हुए वो चार तरह के म्यूटेंट जीन्स तैयार हुए। और ये एक ओरिजिनल, तो ओरिजिनल जो है वो वाइल्ड बोला जाता है, वो नॉर्मल तरह का होता है, और वो डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट है, जो नॉर्मल है, उसको वाइल्ड कहा जाए, वाइल्ड। और वो ज्यादातर इसमें दिखता है, लेकिन उसमें म्यूटेशन होने के बाद चार तरह के जीन्स तैयार हुए। तो वो जीन्स जो है ये चित्र में दिखाए हैं, और इस हिसाब से जीनोटाइप। तो देखो नॉर्मल विंग्स होंगे तो उसको लिखा है उन्हें VG, ओके। विंग्स के लिए भी नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन भी लिखा, तो ये भाई VG+, ये जीनोटाइप। निक्ड विंग्स, उसमें थोड़ा सा कटिंग टाइप का जो विंग्स दिखेगा उसको बोलेंगे VGNI। मतलब यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो शॉर्ट लेटर्स में लिख रहे, वो उसका कैरेक्टर शो कर रहे। फिर VGNO, नॉच्ड। और स्ट्रैप विंग्स, उसके लिए VGST। और वेस्टिजियल विंग्स मीन्स वहां पे विंग्स अब्सेंट ही होते हैं, नहीं के बराबर इस तरह से होते हैं, इसलिए उसको सिर्फ VG, ओके। तो इस तरह से इन्होंने इसको जीन्स को नाम दिया। तो ये सिर्फ ड्रोसोफिला के विंग्स का शेप बताने के लिए ये पांच तरह के जीन्स है, मतलब ये दो से ज्यादा है इसलिए मल्टीपल जीन। तो इनमें जैसे जीन हाजिर होंगे उस हिसाब से उसका क्या होगा, अपियरेंस होगा। तो ऑफ कोर्स जो वाइल्ड है, मतलब VG+ लिखा है, वो डोमिनेंट है, वो प्रेजेंट रहेगा तो बाकी जीन्स की अपियरेंस नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं रहेगा तो इनके हिसाब से ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेटरोजाइगस। इसका डिटेल हम लोगों को क्रॉस एग्जाम्पल में नहीं है, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। लेकिन ये जो आखिरी वाला है वेस्टिजियल, ये रेसेसिव। पहला वाला कंप्लीट डोमिनेंट, नीचे वाला रेसेसिव, और बीच वाले तो जैसे हाजिर रहेंगे उस हिसाब से। तो इतना ही इसके बारे में लिखना है, यहाँ पे उसका डेफिनेशन वगैरह जो आया है वो आप अपने इसमें ये कर लो कि मल्टीपल जीन्स का डेफिनेशन किस वजह से, और एक एग्जांपल ड्रोसोफिला याद। दूसरा एग्जांपल पुरानी बुक में दिया है, अच्छे से डिटेल दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम लोगों को यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लेंगे। नहीं दिया मतलब वो डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन ब्लड ग्रुप जो है, तो ब्लड ग्रुप शो करने के लिए जो जीन्स है उसमें भी यहाँ पे दो से ज्यादा, मतलब तीन तरह के जीन्स होते। यहाँ पर ह्यूमन बींग में ब्लड ग्रुप शो करने के लिए मल्टीपल जीन्स है, वो IA, IB और i। तो इस तरह के तीन तरह के, दो से ज्यादा जीन्स है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल मल्टीपल जीन का है। और इनके प्रेजेंस पर डिपेंड करता है, ऑफकोर्स जोड़ी जब बनेंगी तो उसमें कौन कौन से जीन्स है उस पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये शो करने के लिए जैसे देखो IA फॉर एंटीजन, तो ए फॉर एंटीजन, एंटीजन का ए नहीं, ये टाइप का एंटीजन दोनों है तो बाप गारंटेड ए ब्लड ग्रुप है। अगर IA+ ये स्मॉल है, मतलब यहाँ पे एंटीजन अब्सेंट है, एक ये है और दूसरे में अब्सेंट है, तो भी ए ब्लड ग्रुप। उसी समान IBIB और IBI, IB स्मॉल है तो ये बी ग्रुप हो गया। IA IB मतलब ए और बी तरह के, दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें उसका अल्टरनेटिव जीनोटाइप नहीं रहेगा क्योंकि दोनों एक में आ गए, तो ब्लड ग्रुप हो गया ये बी। और जिसमें
ए और बी दोनों एंटीजन अब्सेंट है, तो ये स्मॉल आई लिखा गया, इसको भी अल्टरनेटिव नहीं रहेगा दूसरा जीनोटाइप, और तब ब्लड ग्रुप होता है वो। ये आपको इतना मतलब आपके उस बुक में एग्जांपल नहीं दिया इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये खाली क्वेश्चन वहां पे मेंशन किया है, तो आप ये लिख सकते हैं। ये हो गए मल्टीपल जीन्स के अलील्स के एग्जांपल फॉर इनहेरिटेंस, इट इज ऑल्सो डेविएशन फ्रॉम, लेकिन ये इंटरजेनिक डेविएशन है। अभी हम लोगों ने इससे पहले इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस देखे थे वो इंट्राजेनिक थे, और मल्टीपल अलील से आगे वाले जो इंटरजेनिक मतलब दो जीन्स के बीच में, तो दो से ज्यादा जीन्स से, ये बाकी आप डिटेल में मत जाओ क्योंकि आगे की क्लास में भी हम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिकल सेल का एग्जांपल हमारे इधर बहुत सुनने को मिलता है, अपने क्लास में भी कुछ सिकल सेल होते हैं, हमारे आजू बाजू में सिकल सेल वाले पेशेंट है, उसमें दो तरह के होते, तो किस तरह का उसका यहाँ पे इनहेरिटेंस दिखाया है। तो एकादा जीन देखो, वेन ए सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स, एक जीन दो तरह के कैरेक्टर दिखाता है, दो तरह के ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस फेनोमेनन को बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म, प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म, और इस टाइप के जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। समझे? तो सिकल सेल कैरेक्टर शो करने वाला जो जीन है उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। इसका एग्जांपल दिया था, ये हम क्रॉस से बताएंगे, जैसे हम लोगों ने इसके पहले क्रॉस पढ़े थे उसी टाइप से यहाँ भी क्रॉस पढ़ना है, पेरेंट्स गैमेट्स और ऑफस्प्रिंग्स, यहाँ पर एक जनरेशन फिर दूसरा जनरेशन, यहाँ पे एनिमल्स के F1 या F2 जनरेशन नहीं लिखा है, ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स का फिनोटाइप और पेरेंट्स का जीनोटाइप, ये दोनों अलग बातें नहीं है। तो देखो अगर हम लोग इसके करके देख सकते हैं बाद में कि कैसे फिनोटाइप है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर सिकल सेल कैरियर जिसको हम लोग सिंगल यस भी बोलते हैं, और जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको डबल यस बोलते हैं। आप लोगों ने सिंगल यस डबल यस वर्ड सुना होगा अपने इधर, नहीं सुना होगा तो आप लोग इसके बाद में अगर किसी को सिकल सेल का प्रॉब्लम है तो उसको पूछ सकते हैं, उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो देखो सिंगल सेल कैरियर मतलब सिंगल यस वाला, ऐसे अगर कैरियर दोनों को हम लोगों ने मैरी कर दिया, मतलब दोनों को सिंगल सेल कैरियर या सिंगल यस वाले है दोनों, तो उनका जीनोटाइप कैसे दिखेगा? HB, ये हीमोग्लोबिन के बारे में होता है, या एक्चुअल वो रेड ब्लड कार्पसल्स के बारे में होता है, लेकिन यहाँ HB, क्योंकि रेड ब्लड कार्पसल्स कम होने के बाद हीमोग्लोबिन में डेफिशिएंसी आ जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरियर के प्रॉब्लम आ जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कमी कम हो जाए तो उसको अटैक आता है और डेथ होने के चांसेस रहते हैं, या फिर सीवियर अटैक आता है। तो इसलिए ये HB दिया है, सिंबल जो दिया है बुक में हम लोगों को वही फॉलो करना है। तो HbA थोड़ा ऊपर लिखा है, HbA ये नाम से जो जीन दिखाया है वो है नॉर्मल जीन, जिसका इस सिकल सेल से कोई संबंध नहीं रहेगा, और HbS मतलब सिकल सेल वाले कैरेक्टर दिखाने वाला जीन, तो और दूसरा भी वैसे ही दिखा रहे। तो दोनों सिकल सेल कैरियर है, तो दोनों का ये इस तरह के मतलब यहाँ पे दोनों जीन्स सेम नहीं है, मतलब ऑफकोर्स ये हाइब्रिड है ना, जब सेम रहते तो क्या बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है, ये एक नॉर्मल जीन है, ये एक सिकल सेल वाला, एक नॉर्मल जीन है एक सिकल सेल। अगर ऐसे लोगों की हम लोगों ने शादी करके दी तो क्या प्रॉब्लम होगा, या शादी किए जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब हम लोग आगे के डिसीजन लेने के लिए हमको ये जानकारी होना जरूरी है। तो जिस कम्युनिटी में ज्यादा सिकल सेल का प्रॉब्लम होता है उन लोग के, यहाँ पे सिकल सेल क्यों बोलते, सिकल का मतलब होता है विड़ा, विड़ा पावशी, पावशीचा आकार कसा असते, असा अर्धचंद्राकार, बरोबर है, अर्धचंद्राकार आकार होतो पावशीचा या भागाचा, कापायच्या भागाचा, या टाइपचे आपले जर RBC असते तर पूर्ण असे असतात, पूर्ण डिस्क शेप, आणि जेव्हा सिकल सेल जीन या व्यक्तीच्या शरीरात असेल तर त्याचा आरबीसीचा शेप हा असा अर्धचंद्राकार होतो, म्हणजे हे असं कन्वर्शन, या शेपला म्हणतात सिकल शेप, आणि हा नॉर्मल शेप, इट इज नॉर्मल, इट इज सिकल। तर असा आरबीसीचा शेप चेंज होतो या जीनमुळे, HBS मुळे, आणि म्हणून त्याला सिकल सेल जीन म्हणतात। तर बघा व्हॉट हॅपन्स व्हेन ओनली द 1 HBS प्रेझेंट अँड अनादर इज HBA, ऑटोमॅटिकली इट इज ओनली कॅरियर ऑफ द सिकल सेल डिसीज, नॉट कॉजिंग द डिसीज, इसको डिसीज नाही होता,
इसकी डेथ इजीली नहीं होती। किसी स्पेशल कंडीशन में, मतलब अगर एबनॉर्मली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई, अधूरे में है या बहुत दौड़ के, या फिर कोई ऐसा एक्सर्शन हो गया कि उसको उतनी सांस लेने को तकलीफ हुई, तभी जाके लो ओटू कॉन्सेंट्रेशन में, एबनॉर्मली लो ओटू कॉन्सेंट्रेशन में उसको थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है सांस लेने में या वगैरह। तो ये माइल्ड एनीमिया होता है, इससे एकदम से डेथ कभी नहीं होती, कभी नहीं होती उसको दवाई लेने के चलते। लेकिन अगर दोनों यस रहे तो ही सिकल सेल एनीमिया होता है। अगर उसको ये तकलीफ है तो उसको, उसकी डेथ हम पोस्टपोन कर सकते, लेकिन ये बीमारी जेनेटिक है तो ठीक नहीं होती। खाली उसको ऑक्सीजन लेवल कम ना हो करके हम लोग केयर कर सकते हैं उसकी, वैसे खान पान उसका केयर लेना जो भी है, और उसकी दवाइयां लेके उसकी जो आरबीसीज है वो सिकल शेप में कम से कम बदले, जितनी कम बदलेंगी जितना उसका शेप चेंज नहीं होगा उतना उसकी डेथ पोस्टपोन होती जाएगी। ये इसको मिनिमाइज करते, मतलब आरबीसीज तैयार होते वक्त डिस्क शेप होती है लेकिन बाद में वो सिकल शेप की होते जाती। तो ये सिकल शेप के आरबीसीज होने की जो प्रोसेस है उसको स्लो करना, मतलब सिकल सेल एनीमिया वाला डबल एस वाले पर्सन की डेथ आगे ढकेलना होता है। इसलिए वो कब तक जिंदा रख सकते हैं हमारे केयर पर डिपेंड करता है, राइट। तो उसके, लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा सकता, पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे चेकर बोर्ड में नहीं दिखा है, हमने चेकर बोर्ड में दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे देखो ये सिकल सेल कैरियर दोनों एक जैसे, तो दोनों के गैमिट्स भी एक जैसे होंगे। गैमिट्स HBA वाला एक गैमिट तैयार होगा, दूसरा HBS वाला, क्योंकि हर कैरेक्टर के जोड़ी के जीन्स में से एक ही गैमिट में जाता है। तो दोनों तरह के, इस तरह के दो तरह के गैमिट्स तैयार होंगे इनके भी। ये मैंने जिसको गोले कर दिए, राउंड कर दिए, ये क्या हुए गैमिट्स है, और उसके पहले वाला वो ऑर्गेनिज्म का जीन है। तो गैमिट्स में, तो अभी ये एक पेरेंट के गैमिट दूसरे पेरेंट के किसी भी गैमिट के साथ फ्यूज करे, तो हम लोग ये चेकर बोर्ड में भी दिखा सकते हैं, इसके पहले जैसे दिखाए। तो देखो HBA वाला एक पेरेंट का गैमिट दूसरे पेरेंट के HBA वाले गैमिट के साथ अगर होगा तो ये पर्सन पूरा नॉर्मल होगा, इसको सिकल सेल वाली कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लाइन दिखाती है, समझ रहे। अगर ये HBA वाला, ये दूसरा कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ, तो इसका एक के सामने कॉम्बिनेशन नॉर्मल। अगर HBS वाला के साथ कंबाइन हो गया तो HBS मतलब ये फिर से सिकल सेल कैरियर हुआ, मतलब सिकल सेल वाले कैरेक्टर के कैरी करता है, सिकल सेल कैरेक्टर शो करने वाला जीन को कैरी करता है, मतलब ये वाहक है, खुद बीमार नहीं है लेकिन वो उस बीमारी का वाहक है। बाद में देखो HBS वाला दूसरा टाइप का अपन गैमिट कर रहे, ये अगर ये दूसरे पैरेंट के HBA वाले के साथ फ्यूज होगा, यारो जिसके पास से दिखा रहे उनका दोनों, तो ये फिर से सिकल सेल कैरियर पैदा होगा। ऐसे ये दो तरह के सिकल सेल कैरियर होने का चांसेस है। और ये HBS अगर HBS के साथ कंबाइन हुआ तो ये डबल यस हो गया, दोनों यस है इसलिए डबल यस, अगर एक ही यस वाला जीन है तो सिंगल यस। तो ये डबल यस वाला 100% इसको सिकल सेल एनीमिया होता है, इसकी आरबीसी ये सिकल शेप में चेंज होता है। जब सिकल शेप में चेंज हो जाती है तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन कम आता है, और कम हीमोग्लोबिन उसमें ऑक्यूपाई होगा तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। तो आपको अपने आप ही, हमारे पास टैक्सी कम है, हमारे पास अगर गाड़ियां कम है तो हम लोग ज्यादा लोगों को साथ में ले जा सकेंगे क्या, नहीं, हम लोगों को दो चार राउंड घूमना पड़ेगा, राइट, एक ही गाड़ी से घुमाना है। अगर एक साथ हमारे पास चार गाड़ी है तो हम चार जन को साथ में चार गुना काम कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये शेप सिकल होने की वजह से ये तकलीफ होती, तो ये डबल एस वाला हम 100% यहाँ सिकल सेल एनेमिक होता है। और अगर इसको विदाउट ट्रीटमेंट रखे तो इसकी गारंटेड डेथ होती है, अब कितने दिन के बाद होगी, लेकिन वो पूरी जिंदगी नहीं जी पाता, उसको कंट्रोल करके हमको उसको बहुत लंबी उम्र दे सकते हैं। तो देखो इस तरह से नई पीढ़ी तैयार जब हुई, ये दोनों कैरियर मियां बीबी की, तो कैसे देखो चार तरह के, वैसे हम लोग 100 का 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25%, मतलब यहाँ पे 25% चांस है नॉर्मल बेबी होने का, 25% चांस है सिकल सेल एनीमिक होने का, मतलब डबल एस होने का, और 50% चांस, दो है मतलब 50% चांस, 25 25 50% चांस है सिकल सेल कैरियर होने का।
नॉर्मल हुआ तो बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैरियर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको आगे की जनरेशन में, उसकी आगे की जनरेशन को तकलीफ, और उसकी थोड़ी केयर लेना पड़ता कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, थोड़ी केयर लेना पड़ता है बस, और कोई नहीं। तो इस तरह, लेकिन 25% चांस होता है सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होने का, मतलब सिकल सेल वाला बेबी तैयार होने का, जिसकी डेथ हो सकती है, और हमेशा डेथ का डर रहता है। लेकिन ये 25% चांस है, लेकिन है, चांस है, राइट। तो इस तरह से इसलिए सजेशन दिया जाता है कि दोनों कैरियर की शादी मत किया करो, एक नॉर्मल और एक कैरियर रहा तो कैरियर ही पैदा होगा, डबल एस वाला पैदा हो ही नहीं सकता। अभी आगे देखो, इन्होंने सेकंड जनरेशन का यहाँ पे कोई नहीं दिया है। कहाँ है कि अगर पूरा नॉर्मल मतलब डबल ए वाला सिंगल यस से शादी करेगा तो डबल यस आने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक पेरेंट के पास तो यस है ही नहीं, और इस एक पेरेंट का गैमिट दूसरे पेरेंट के गैमिट के साथ फ्यूज होता है, और एक ही पेरेंट के पास यस है, दूसरे पेरेंट के पास यस है ही नहीं, तो डबल यस होगा क्या? नहीं, मतलब सिंगल सेल एनिमल सिकल सेल एनीमिक पेशेंट पैदा ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। तो सिकल सेल वालों की शादी नहीं करना है क्या कैरियर ने? करना है, लेकिन कैसे? शादियों में ये जेनेटिक रीजन देख के करना है। अब आई लव यू वाली बात रही तो बात अलग है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हो सके अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हम ये सोचे, या फिर इतना डर हम लोगों को सहना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन उसमें भी केयर करके कोई बात नहीं, विदाउट टेंशन रह सकते। तो इस तरह से सजेशन दिया जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट से, या मतलब हु से, या हेल्थ डिपार्टमेंट से, कि जहां तक हो सके सिकल सेल कैरियर है, डबल एस वाले का तो बचपन से ही उसका पता ही चल जाता है कि उसको डबल एस है, क्योंकि उसको तकलीफ होने लगती है, तो जब भी तबीयत चेक करने जाएंगे तो उसका चेकिंग होगा तो पता ही चल जाता है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए जेनेटिक रीजन पर। तो वो और पूरी ज्यादा जिंदगी जीता भी नहीं तो उसकी शादी तक के और शादी होने के बाद कितने दिन जिया रहेगा, इसकी भी बहुत कम रहता है, लेकिन बात है। लेकिन सिकल सेल कैरियर को कुछ नहीं होता, कॉमनली कुछ नहीं होता, थोड़ा कभी कभी तकलीफ होती है थोड़ा, लेकिन डेथ हुआ तक की बात नहीं है, उसको संभालने वाली बात है। तो ऐसे में पता नहीं चलता तो इसको कैरियर है क्या दोनों, जिन फैमिलीज में रिकॉर्ड है या जिन फैमिलीज की हिस्ट्री है सिकल सेल की, तो उनमें चेक कर लेना चाहिए। अगर कैरियर कैरियर वालों की शादी जहां तक हो सके ना करें, एक नॉर्मल एक कैरियर ऐसा चलेगा, और ऐसा सजेशन दिया जाता है, बाद में तो अपनी मर्जी, ओके। और इस टाइप का मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर इसका रेशो क्या क्या आएगा, तो रेशो क्या आएगा, 1:2:1, मतलब तीन तरह के तैयार हो गए हम लोग, रेशो निकालेंगे, फिनोटिपिक तो नॉर्मल सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल एनीमिक, उसमें से नॉर्मल एक है, सिकल सेल कैरियर दो है, सिकल सेल एनीमिक एक है, और ये तो 100% डेथ होने वाली, मतलब पूरी जिंदगी जीने वाले, मतलब बचने वाले लाइव कौन से रहेंगे, 1 और 2 वाले, नॉर्मल और कैरियर। तो नॉर्मल और कैरियर, तो नॉर्मल है 1 और कैरियर है 2 और डेथ एनिमिक है 1, तो ये 1 वाला तो जिंदा नहीं रहेगा, तो उसका रेशियो 1:2:1 ना रहेगा, या 3:1 नहीं रहेगा, तो 1:2 ये हो गया लीथल, जिसकी डेथ होती है उसको बोलते हैं लीथल, और डबल यस कंडीशन में वो लीथल होता है, और सिंगल यस कंडीशन में वही HBS क्या होता है, ओनली कैरियर होता है, मतलब ये दो तरह का कैरेक्टर दिखाता है, कैरियर और लेथन, इसलिए उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, HBS को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस तरह की फेनोमेना को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी।